सिंहाचलम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ पर देश भर से, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा राज्य से ज्यादातर भक्त आते हैं नरसिम्हा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है, पहाड़ के ऊपर मंदिर के पास रुकने की व्यवस्था, मुंडन का प्रोसेस, लड्डू एंड पुलियोरा प्रसाद, दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ यहाँ के अन्न प्रसाद जो कि मुफ्त में मिलता है, उसके बारे में आज डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। सो अभी मैं हूँ उड़ीसा के ब्रह्मपुर स्टेशन में एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ सिमांचलम। आज जो मैं ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ वो है इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम की ओर जाता है एंड यहाँ पर यानी कि ब्रह्मपुर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये निकलती है एंड पहुँचती है विशाखापट्टनम। वैसे तो मेरी जर्नी सिमांचलम तक ही है लेकिन ये जो ट्रेन है ये काफ़ी चीप है एंड मैंने सोचा क्यों ना 130 रुपये दे के इसी ट्रेन में जर्नी किया जाए। इसमें आपको सेकेंड सीटिंग की सुविधा मिलेगी। सिमांचलम का अपना रेलवे स्टेशन है लेकिन बहुत कम ट्रेन यहाँ पर रुकती है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी से सिमांचलम आना चाहते हो तो आप विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से ट्रेन या फिर बस के जरिए सिमांचलम पहुंच सकते हैं। सिमांचलम विशाखापट्टनम शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ भगवान नरसिंह स्वामी की प्रमुख मंदिर है। सिमांचलम स्टेशन से मात्र 40 रुपए की टिकट लेकर आप पर्वत के ऊपर मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। सिमांचलम में आपको बस अड्डा देखने को मिल जाएगा। वहां से मंदिर के ऊपर के लिए बस आता जाता रहता है जिसके लिए आपको मात्र 15 रुपए वाली एक टिकट लेनी पड़ेगी मंदिर के पास पहुंचने के लिए। नीचे से ऊपर कुछ 15 मिनट आपको पहुँचने के लिए लगेंगे। सफर के दौरान आपको सुंदर नज़ारे और हरी भरी पहाड़ देखने को। सिमांचलम मंदिर का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और ये श्री नरसिंह स्वामी को समर्पित है जो भगवान विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। मंदिर के पास पहुंचने के बाद आपको रूम लेना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री रूम्स एंड पेड रूम्स दोनों अवेलेबल है। आप लॉकर में सामान रखकर हॉल में रुक सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। पर्सनल रूम लेने के लिए आपको मिनिमम 600 रुपए लगेंगे। आप पहले से ही ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हैं जिसके लिए आपको एपी टेम्पल्स पोर्टल पर जाना पड़ेगा। स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पर जाकर आप रूम बुक करवा सकते हैं। आपको अपना डिटेल्स देकर साइन अप करने के बाद OTP देकर लॉगिन करके वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग पर जाकर एकोमोडेशन पर क्लिक करके टेम्पल सिलेक्ट करने के बाद चेक इन और चेकआउट डेट सिलेक्ट करके किस टाइप का रूम चाहिए वो सिलेक्ट कर आप अपने हिसाब से रूम बुक कीजिए। आप AC रूम्स, नॉन AC रूम्स, कॉटेज वगैरह बुक कर सकते हैं। इसीलिए आपको 600 से 900 रुपया तक पे करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर ऑफलाइन बुक किया गजपति क्षेत्र में जिसके लिए हमें हमारा डिटेल्स एंड वैलिड ID देना पड़ा और साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रूम रेंट एडवांस में देना पड़ा। रूम का भाड़ा था मात्र 560 रुपये इंक्लूडिंग GST एंड डिपॉजिट के लिए हमने 600 रुपये दिए। रूम में बैग वगैरह रखकर आप मुंडन के लिए जा सकते हैं। मुंडन एरिया तक आप मोबाइल, कैमरा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह लेके जा सकते हैं। आपको मुंडन मंडप से पहले ही स्लीपर स्टैंड काउंटर देखने को मिल जाएगा जहां पर मात्र 5 रुपए देकर जूता चप्पल रख सकते हैं। मुंडन के लिए आपको जो टिकट मिलेगा उसके साथ ही आपको एक आधा ब्लेड मिलेगा जिसका प्राइस मात्र 40 रुपए रखा गया है। जो नंबर अलर्ट हुआ होगा उसी नंबर पर आपको जाकर वेट करना है। अगर जगह खाली है तो पर्ची देकर वहां पर बैठने के बाद आपके मुंडन की प्रक्रिया शुरू होगी।
बाहर नहाने का प्रबंध है, कई सारे नल, ओपन बाथ एरिया और औरतों के लिए बाथरूम एंड चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था है। मंदिर के पास जूते, चप्पल, बैग, मोबाइल वगैरह रखने के लिए अलग से व्यवस्था है। आप मात्र 5 रुपए में अपना सामान वहां पे रख पा सकते हैं। यहां पर बेबी फीडिंग सेंटर भी अवेलेबल है। हम जिस दिन गए थे उस दिन बारिश हो रही थी, वो भी काफी तेज। हड़बड़ी मच गई थी सीमांचलम। सो गाइस, अभी मैं हूँ सीमांचलम विशाखापट्टनम में एंड यहाँ पर इतनी तेज आंधी आई है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप खुद ही नजारा देख लीजिए। नहाने के बाद अब बारी थी दर्शन करने के लिए। आप कपड़े चेंज करके डायरेक्ट दर्शन के लिए जा सकते हैं। जब बात आती है दर्शन की, तो पेड दर्शन एंड फ्री दर्शन दोनों अवेलेबल है। 100 रुपए और 300 रुपए का टिकट लेकर आप थोड़ा जल्दी दर्शन कर सकते हैं। बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए ये पेड दर्शन सही लगा मुझे, लेकिन हमने फ्री दर्शन किया। फ्री दर्शन में आपको थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, घूम घूम कर मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन पेड दर्शन में आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, 300 रुपीज के टिकट में आपको ठाकुर जी के पास जाने का मौका मिलेगा, उनको नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। बारिश के कारण लोग थोड़ा कम थे, इसीलिए हमको मात्र 30 मिनट लगे फ्री दर्शन करने के लिए। वैसे ही अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने के लिए हमें 1 घंटे से भी कम समय लगे। दर्शन के बाद अब बारी है अन्न प्रसाद की। यहाँ पर मुफ्त में आपको अन्न प्रसाद की सुविधा मिल जाती है। रात को 6 से लेकर 9 बजे तक अन्न प्रसाद काउंटर खुला रहता है। एंट्री होते ही आपको अपने थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा और फिर आप आराम से प्रसाद का आनंद उठा सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा जो कि प्रूफ है कि आपने वहां पर अन्न प्रसाद ग्रहण किया है। सो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। जी हाँ, ये मंदिर के ठीक सामने ये वाला बिल्डिंग है। यहाँ पे आई थिंक 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एंड यहाँ पे आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप 2 जन 3 जन या फिर ग्रुप में भी आते हो तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे रूम मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग 2 जन आए थे, इसीलिए हमको 560 रुपीज़ देना पड़ा रूम के चार्जेस, एंड एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 600 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ा। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिविंग दिस रूम हमें हमारा जो 600 रुपीज़ है वो रिटर्न मिल जाएगा। रात के 9 बजते ही हम अपने रूम में आ गए और आराम किया, क्योंकि सुबह 7 बजे हमें चेकआउट करना था और दर्शन करके विशाखापट्टनम के ओर निकलना था। सुबह हमें दर्शन करने के लिए कुछ 40 मिनट लगे। और दर्शन के बाद हम लाइन में लग गए लड्डू एंड पुलियोरा प्रसाद के लिए। एक लड्डू का प्राइस था 15 रुपए और पुलियोरा पैकेट का 10 रुपए। आप अपने हिसाब से लड्डू एंड पुलियोरा ले सकते हैं। मैं कई सालों से सीमांचलम आ रहा हूँ। पहले 10 रुपए में लड्डू एंड पुलियोरा मिल जाते थे, अब कुछ साल से लड्डू के रेट में 5 रुपए बढ़ गए हैं।
पर जगह जगह शुद्ध पानी का व्यवस्था है। चारों ओर बड़े बड़े फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे और खाने के लिए अन्न प्रसाद दोपहर एंड शाम के टाइम तो मिल ही जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए एक भी रुपया खर्चा करना नहीं पड़ेगा। यहाँ की टेम्पल कमिटी ने अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। आपको आंध्र प्रदेश में लगभग सारे टेम्पल्स में यह व्यवस्था देखने को मिलेगी। अगर बजट की बात किया जाए तो आप मात्र 500 से 700 रुपए लेकर पूरे फैमिली के साथ सिमांचलम आकर यहाँ पर फ्री में खा पी के रुक के दर्शन करके जा सकते हैं। सो आज मेरा दूसरा दिन है सिमांचलम में। कल यानी सैटरडे शाम को मैं आके पहुंचा था सिमांचलम एंड कल रात मैंने सिमांचलम में रुका। रात काफ़ी अच्छी गुजरी सिमांचलम में, वहाँ पर मैंने रूम लिया था। एंड ये जो जगह है ये है सिमांचलम का बस अड्डा, यहाँ से मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम। हमारा काम खत्म होने के बाद हम निकले विशाखापट्टनम की ओर थोड़ा घूमने के लिए। मंदिर के पास से नीचे बस स्टेशन तक जाने के लिए बस स्टॉप टिकट काउंटर से हमने 15 रुपये वाली पर पर्सन के हिसाब से टिकट लिया। नीचे वाले बस स्टैंड से हमें विशाखापट्टनम का बस मिल जाएगा। सो मैं अभी हूँ सिमांचलम के बस अड्डे पर एंड ये है सिमांचलम से वैजाग जाने वाली बस एंड यहाँ से हम डायरेक्टली जाने वाले हैं वैजाग। सो अगर आप सिमांचलम से वैजाग जाना चाहते हैं या फिर वैजाग से सिमांचलम आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बस अड्डा मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना टिकट काट के अपने हिसाब से चाहे वार के बीच हो या फिर किसी भी प्लेस हो वहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं विशाखापट्टनम टूरिज्म एंड यहाँ के फेमस फूड स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट गोविंदा गोविंदा।